सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 36.96% हुआ मतदान। प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। इसके लिए 14,845 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यूपी के 7 जिलों में 19 अप्रैल को डीएम ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। डीएम ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को दुकान, स्कूल और फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया, पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों की 280 कंपनियां तैनात की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने कहा, ये चुनाव प्रक्रिया है और इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की तैयारियों के चलते मुजफ्फरनगर के चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक की गाड़ी सीज कर दी गई। पुलिस का कहना था कि प्रचार बंद होने के बाद भी विधायक वोट मांगने निकले थे। पीएम मोदी ने आज गजरौला में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी जनसभा। मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील। कहा, आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को करेगा सुनिश्चित। अमरोहा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण दुनिया में बढ़ा है देश का मान। कांग्रेस पिछड़ों को टिकट देने के साथ ही भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भागीदारी देने के मुद्दे को भुनाने की तैयारी में। शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। इसमें 17,22,432 मतदाता 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। यदि किसी मतदाता के पास आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी वह अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के पूर्व नेता और गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी के भी चुनाव लड़ने पर संशय है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। स्पीड ब्रेकर के कारण बोलेरो की गति धीमी हुई कि तभी प्रतापगढ़ शहर से सुल्तानपुर की तरफ जा रही रोडवेज बस ने बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बस हादसों की सूचना नहीं देने पर ड्राइवर और कंडक्टर सहित अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। हादसा होने पर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम पर अपडेट नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पूर्व ही 160.24 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग, नगद व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पकड़ी गयी। 16 मार्च से 17 अप्रैल तक 9.72 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, नकदी और ड्रग जब्त की गई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बसों के डैशबोर्ड पर ड्राइवर के परिवार की फोटो लगाने की व्यवस्था अफसरों के लिए चुनौती बन गई है। चूंकि ड्राइवरों की ड्यूटी बदलती रहती है, इसलिए बस ड्राइवरों को परिवार की फोटो फ्रेम साथ में रखने को कहा जा रहा है। अलायंस एयर की बीती रात गोरखपुर से दिल्ली जा रही उड़ान तकनीकी खराबी के चलते लखनऊ डायवर्ट कर दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। बहुजन समाज पार्टी ने फिरोजाबाद से अपना प्रत्याशी बदला। सत्येंद्र जैन शोली के स्थान पर चौधरी बशीर को बनाया प्रत्याशी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के एक मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया। लखनऊ में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल का महीना आते ही पारा भी ऊपर चढ़ने लगा है। चढ़ते पारे के सहारे पसीने छूटने लगे। हालांकि आज कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।